मैं सीमा पवार वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल में। आज हम एक और नई वीडियो लेके आए हैं जो कि रहेगी हमारी कटिंग की। हमारे काफी फ्रेंड्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है कि प्लाजो की कटिंग आप हमें करके दिखाओ, आप किस तरीके से प्लाजो बनाते हैं। तो आपके साथ आज हम वो शेयर करने वाले हैं। वीडियो को कंटिन्यू देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि स्किप कर दोगे अच्छे से नहीं समझ पाओगे। वन बाय वन स्टेप में आपको अच्छे से इजी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। और जो प्लाजो की आपकी जो शिकायतें हैं, जो आपको समझ नहीं आता है, जैसे कि बीच में से उठता है या फिर कटिंग अच्छे से नहीं होती है, स्टिचिंग अच्छे से नहीं होती है, किस तरीके से आप उसकी कटिंग कर सकते हैं, आज हम कटिंग की रहेगी हमारी। जैसे ही हमें टाइम मिलता है उसकी हम स्टिचिंग की भी वीडियो जरूर बनाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेजरमेंट बता देते हैं कि जो हमारा मेजरमेंट है वो क्या है। हमारा जो मेजरमेंट रहेगा, लेंथ रहेगी प्लाजो की 38 और हमारी जो थाई है 26 है, हिप है वो हमारे 41 है और जो हमारी कमर है वो है 35। तो हमारे पास हमारा ये मेजरमेंट है, इसके अकॉर्डिंग हम अपना कटिंग करते हैं। जिसका ये मेजरमेंट है वो आप इस तरीके से कर सकते हैं, बाकी अलग अलग तरीके से भी हम बताएंगे, पूरी तरह समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम फैब्रिक किस तरीके से रखना है आप वो देख लीजिए। सबसे पहले हम कपड़े की 4 फोल्ड बनाते हैं इस तरीके से, लंबाई के उससे हम 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। जो किनारी वाला साइड रहेगा हमेशा अपनी तरफ रखना है और जो इस तरीके से है बंद वाला वो अपने अपोजिट रखना है, क्योंकि आपका जो भी फैब्रिक बचता है इकट्ठा ही बच जाएगा इसलिए। और बंद वाला ऊपर की साइड रखना है इस तरीके से, जो 4 में ये 4 है तय है, ओपन है इस तरीके से नीचे की साइड रखेंगे। सबसे पहले हम इसको बराबर करेंगे, सबसे पहले हम अपने फैब्रिक को बराबर कर लेते हैं। उसके बाद हमें कितना फोल्ड रखना है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। किसी को 5 इंच फोल्ड करना है, 2 इंच फोल्ड करना है, जितना भी आपको ब्रॉड रखना है फोल्डिंग का आप वो रख सकते हैं। इसमें जो हम लेने वाले हैं 2 इंच का ब्रॉड लेंगे, इसको भी हम स्ट्रेट कर लेंगे इस तरीके से। नीचे का अब हमारा प्रॉपर स्ट्रेट हो चुका है। अब आ जाएगा हमारा लेंथ, और इस प्लाजो में हम ऑल राउंड लास्टिक लगाने वाले हैं। और ऑल राउंड लास्टिक में जो हमारी लास्टिक की जो लेंथ है वो हम रहेगी हमारी 1.25 इंची की। मेरी लेंथ है 38, तो हम क्या करेंगे 38 में पहले हम क्या करेंगे 0.25 इंच हम अपना कम कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 37.25। तो हम ये स्ट्रेट करके यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये हमारा लेंथ का हो गया। उसके बाद हमारा हिप का हो जाता है, जो कि हमारे पास साइज है 38, उसका जो लगेगा हिप का निशान वो हमारा 11 इंच पे लगेगा। तो ये हो गया हमारा हिप का, दोनों को हम स्ट्रेट कर देंगे। ये हमारी लेंथ हो गई और ये हो गया हमारा हिप का। हमारे पास दोनों निशान मिल चुके हैं। सबसे पहले हमारे सूट जो फैब्रिक है उसकी लेंथ को हमने बराबर किया है, फिर हमने अपना फोल्ड कर रखा है। उसके बाद हमने अपनी लेंथ ली है, लेंथ में हमने 0.25 इंच कम किया है, क्योंकि हमारा ऊपर 1.25 इंच की बेल्ट भी लगने वाली है जो लास्टिक रहेगी, और जो 0.5 इंच बचेगा वो यहाँ पे भी स्टिचिंग में जाएगा और अपना यहाँ पे फोल्ड हो जाएगा, तो अपना पूरा जो हमारा है कवर हो जाएगा। अब सबसे पहले हम जो हमारी जो हम मेजरमेंट लेते हैं अपने आसन निकाल के, उसको हम जो स्ट्रेट लाइन की है उसको अब हम क्या करेंगे अपनी थाई निकालेंगे, जो कि हमारी थाई का मेजरमेंट है वो है 26। तो 26 इंच की हमारी है, तो 26 को हम 4 हिस्से कर लेंगे। जो 4 हिस्से होंगे हमारे 26 के वो हो जाएंगे आपके 13 × 26, तो 13 का आधा कितना होगा आपका
पौने सात इंच, तो पौने सात है तो हम यहाँ से सवा सात पे निशान लगाएंगे क्योंकि हाफ इंच ही हमारे यहाँ पे स्टिचिंग में जाएगा। अब यहाँ से आप इसको मेजर करेंगे आगे आपका पौने सात, यहाँ से भी आप एक और निशान लेंगे जो कि हम लगाएंगे पौने सात पे। अब आपका टोटल आप देख सकते हैं 13 × 26 आपका आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आपकी थाई निकल चुकी है, अब आपको हिप निकालना है। हिप हमेशा आपकी थाई से अंदर की साइड रहेगा, जैसे हमारा 41 है, 41 का अब हम फोर्थ कर देंगे तो आपका आएगा 10 × 40 41 42 आ जाएगा आपका, ये हमारा 10.25 पे लगेगा। इस पे हम थोड़ा आगे की तरफ लेंगे, मैक्सिमम जो इनका गैप है वो आपका 2.5 इंची तक ही रहना चाहिए, अगर आपका ज़्यादा आ रहा है तो आप और अंदर की साइड इसको कर लेंगे जो कि आपका प्रॉपर रहेगा 2.5 इंच। अब आप क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट कर देंगे, यहाँ से हमें अपने आसन का निशान लगाना है तो हम इसको बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट कर देंगे। अभी हमारा ये फ्रंट पार्ट है, अभी हम इसको फ्रंट निकालेंगे। अब हम इस हमें इसकी शेप देनी है जो कि हमारी शेप यहाँ से हमारा मैक्सिमम 1 इंच तक रहेगा, 1 इंच ऊपर की तरफ हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब यहीं से हम इसको राउंड शेप देंगे अपनी, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, अपनी हम मोरी लेंगे, हमारा सेंटर पॉइंट जो आया था 7.25 पे आया था जो कि हमने 7.25 पे निशान लगाया, 7.25 पे हम यहां से भी रखेंगे क्योंकि हमें पूरे अपने जो प्लाजो है उसका सेंटर पॉइंट रखना है, यहां से भी हम 7.25 पे निशान रखेंगे। अब हमारा ये प्रॉपर सेंटर पॉइंट है, अगर आप प्लेट डालते हैं तो इसी पे आपकी प्लेट डलती है, और प्लेट कब डलती है, जब आप फ्रंट में बेल्ट रखते हैं। अभी हम इसमें फ्रंट में बेल्ट नहीं रखेंगे तो हम प्लेट नहीं डालेंगे, अदरवाइज अगर आप प्लेट डालते हो तो यहीं से जो आपका सेंटर पॉइंट बनता है यहीं से आपकी फ्रंट में प्लेट्स डल जाएंगी जो कि यहाँ तक आपकी रहेंगी 3.5 या 4 इंच तक आपकी डीप रहती हैं। अब ये मोहरी है, मोहरी आपको जितनी भी रखनी है, जितनी आप अपने प्लाजो की मोहरी चाहते हैं आप उतनी रख सकते हैं। अभी मेरे को इसमें जो लेनी है मैं मैक्सिमम इसकी रखूंगी 22 इंच, तो मैं यहाँ पे अभी अपना ये निशान लगाऊंगी, 22 का हम ऑफ कर लेंगे जो कि हमारा 11 हो जाएगा, और 11 का हो जाएगा हमारा 5.5 इधर लग जाएगा और 5.5 इधर, तो टोटल हमारा हो जाएगा ये 11 इंच का। अगर आपको इसमें एक्स्ट्रा भी रखना है आप एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अभी जो हमारी ये वाली स्केल है इससे हम अपनी शेप देंगे, नीचे की साइड से इस तरीके से हम रखेंगे, इस तरीके से शेप देंगे। ये वाला हमारा जो पट्टी का स्टार्ट होता है वो हमारा नीचे की तरफ रहेगा और प्रॉपर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब इसको हम पलट के रखेंगे दूसरी साइड, और जो हमारा ये निशान है 1/2 इंच अंदर की साइड, यहाँ तक हम ये निशान लगाएंगे। अब इसको हम बाहर की तरफ पलटेंगे, और ये वाला हमें यहाँ पे कोना नहीं निकालना है, इसको हमें बराबर करना है, हमें ये यहाँ पे कोना नहीं निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने स्केल को इस तरीके से रखेंगे। अब हमें नीचे की साइड से स्टार्ट करना है और स्केल को यहाँ पे रख के इसको हल्का सा राउंड दे देंगे जहाँ तक हमारा राउंड आता है, इस तरीके से। अब ये हमारा फ्रंट निकल चुका है, फ्रंट पहले हम कटिंग कर लेंगे उसके बाद हम बैक कटिंग करेंगे। हम यहाँ पे अगर हमारा लो वेस्ट पहनते हैं या फिर किसी का टमी नहीं है तो यहाँ से हम 1 इंच डाउन कर देंगे अपना, और बिल्कुल इसको यहाँ पे हमारी प्लेट्स हैं वहाँ से हल्का सा इस तरीके से स्ट्रेट करेंगे आगे की तरफ क्योंकि हमें कोना नहीं बनाना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, ऊपर के 2 उठाएंगे और इस तरीके से कटिंग कर देंगे।
फ्रंट वाले को हम पूरा कट कर लेंगे। नीचे से हम बराबर कर देंगे। और अब जो हमारा किनारी वाला साइड है उसको हम चारों को कटिंग करेंगे। यहां तक हम डबल कटिंग करेंगे और यहां पे हम चारों को पकड़ के इस तरीके से कटिंग कर देंगे। अगर आप इस तरीके से कटिंग करते हैं तो ना आपका प्लाजो उठेगा और बिल्कुल प्रॉपर आपकी अच्छे से फिटिंग आएगी। अब हमारा ये फ्रंट वाला कट हो गया है तो अब इधर से हम ये साइड कर देंगे। और अब हमें अपना जो कटिंग करना है, बैक पार्ट कटिंग करेंगे, वो किस तरीके से कटिंग करना है ये भी आप ध्यान से देखिए। अभी हम क्या करेंगे, यहां से जहां से हमने हिप निकाला है यहीं से हम 3.5 पे आगे की तरफ निशान लगाएंगे ये वाला। अब यहां से यहां तक 22 इंची लेके हम यहां पे 2 इंच का निशान लगा देंगे और 2 इंच का ही हम नीचे की साइड निशान लगाएंगे जहां पे हमारी मोहरी है। अब हम स्केल की हेल्प से यहां पे फिर से अपनी शेप देंगे जो कि हमारी यहां से स्टार्ट करके इस तरीके से रखेंगे। जो हमारी शेप आएगी ये आएगी और यहां से हम स्केल को फिर उठा के हल्का सा इस तरीके से शेप देंगे। इसमें हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रहता है, जो भी हमारा लूजिंग का रहेगा बैक वाले में रहेगा, फ्रंट में कोई लूजिंग नहीं आएगी। प्लाजो में और पैंट में भी इसी तरीके से रहेगी। अब हमें ऊपर वाला पार्ट किस तरीके से कटिंग करना है। टोटल हमारा हिप है, अभी मैं इसमें क्या करूंगी, आप अगर डायरेक्ट लेना चाहते हैं 3.5 पे निशान भी लगा सकते हैं, आपका ये 3 भी आ सकता है। अगर किसी का हिप कम है तो ये 3 भी आ सकता है और ये 3.5 भी। अगर किसी का ज्यादा ही है तो ये 4 इंच पे भी आ सकता है। अब आप देख सकते हैं जो मेरा टोटल हिप है वो मैं इस तरीके से मेजरमेंट कर सकती हूँ। ये आ गया आपका 10.5, 10.5 हम बाहर की तरफ निकालेंगे और ये आ गया आपका 24.5 इंच। 24.5 इंच में हमारा मार्जिन का इधर भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, चारों तरफ हमारा मार्जिन का भी रहेगा। तो ये हमारा 48 आया है टोटल लूजिंग के साथ, 48-49 आया है लूजिंग के साथ, जो कि हमारा कितना इंच, 41 था हमारा और 49 आया, तो 8 इंच हमारा ये लूजिंग में आया है, जो कि 2 इंच हमारा चला जाएगा और हमारी टोटल जो लूजिंग रहेगी वो 6 इंच की लूजिंग हमारी रहेगी। अब हमें जो, अब हम इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब हम इसको यहां से 1/2 इंची डाउन देके एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। मैक्सिमम अपना ये जो रहता है यहाँ से आपका 2.5 इंची के अराउंड, 2.5-2.5 या फिर 3 इंची तक अगर हिप ज़्यादा है तो ये वाली चीज़ हमारी ज़्यादा भी हो जाती है। मैक्सिमम हमारा ये 2.5 इंची तक ही रहता है। अब हम इसकी ये कटिंग करेंगे। और जो हमारा राउंड है यहाँ से हम अपना 1 इंची सेम वही रख के हम अपना राउंड दे देंगे। अब प्रॉपर जहां पे हमने निशान लगाया है वहीं से हम प्रॉपर इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम प्रॉपर यहां पे कट लगा देंगे जहां से हमें फोल्ड करना है। अब आप देख सकते हैं
आपका प्रॉपर तरीके से प्लाजो कटिंग हो चुका है, बिल्कुल इजी मेथड से है। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो आप हमें कमेंट या मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमने जो कोशिश की है बिल्कुल इजी से इजी तरीके में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप इस तरीके से कटिंग करते हैं तो प्रॉपर आपकी फिटिंग भी आएगी, कहीं झोल भी नहीं आएगा और आपका जो बीच सेंटर से जो ऊपर उठता है या फिर घूमता है वो स्कैप भी नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।